यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू है। इसी के मद्देनजर उधम सिंह नगर के एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने लाइसेंसी हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन लाइसेंसी हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने आचार संहिता लगने के बाद अभी तक अपने असलहा जमा नहीं कराया है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि सभी थाने चौकियों के इंचार्जों को निर्देश दिए गए हैं कि 17 नवंबर तक सभी लाइसेंसी हथियारों को चौकी या आर्म्स की दुकानों पर जमा कराना है और इसकी सूचना संबंधित चौकी थाने में देनी है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर किसी भी लाइसेंस धारक को शस्त्र रखना है तो बिना किसी पुलिस अधिकारी के शस्त्र न रखने और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये डायरेक्शन दिया है कि जिसको अपने शस्त्र अपने पर्सनल कारणों से रखना है वो तो संबंधित एसएचओ या सीओ या सीनियर ऑफिसर से परमिशन ले सकते हैं, वो अपने शस्त्र जमा ना करें, लेकिन अदरवाइज बाकी सबको जमा करने के निर्देश किए हैं, वो 100% इंश्योर किया जा रहा है।